हाँ जी पत्रकार साहबान थोड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद कि तुसी आज साड़ी इस प्रस्थापना से आए। भगवंत मान जी ने मेरे से हमेशा की तरह आज फिर इल्जाम लगाए। सवा साल तो जिदन का है कि सरकार आई है ये बंदा सानू मेंटली टॉर्चर कर रहा है। मैनू भी ते हुण मेरे परिवार को भी ते लगातार कदे विधानसभा च कहिंदा है कि जो चन्नी कित्थे भज गया वो कित्थे थोड़ा सी है मैं उहनूं फाइलां दिखाउणी है। छे सत महीने ते मैं आया हुआ अज तक का कोई फाइल दिखाई फिर कदे कोई इल्जाम कदे मेरे मुंडे दे ब्याह दे कदे होर फिर कदे मेरी प्रॉपर्टी दे लगातार जीना हराम कर रहे हैं। हुण मेरे परिवार ते भी पै गया। मैं ता गुरु ते ओट रखी हुई है लोकां ते ओट है क्योंकि मैं अपने जन्मदिन वाले दिन अखंड पाठ कराया तो सवेरे सवेरे भाई जी आया मैं ऐसी मत्था टेकया शुरू कराया तो जिहड़ा वाक आया सी वो आया सी तू काहे डोले प्राणियां तू दराखेगा सिरजनहार। सो मैं उस परमात्मा के भरोसे के नाल चलना है हमेशा ते अजिहे झूठे इल्जाम पहले भी लगते रहे है अज भी लगे है आखिर नूं इहनां ने साफ हो जाना है। लेकिन इस बंदे का जिहड़ा काम है वह मैनूं बदनाम करना ज़्यादा है जलील करना ज़्यादा है। कदे बोल दिंदा जी कि यह साहिबजादियां दे पैसे खा गया वो तैनू क्या पता है साड़ी साहिबजादियां दे नाल किन्ना अकीदा किन्नी श्रद्धा है तू जानता क्या है यार। ये बंदा सिर्फ बदनाम करने वास्ते मैनू कल्ला नहीं कांग्रेसियों नू सारे नू कर रहे हैं थोड़े पत्रकार नहीं छड़े जेड़ा बंदा विरोधी है माड़ी जी विरोध करता है उहदे उपर ऐसा इल्जाम लगाएगा कि टुक्कड़ लग जाता है अगले का जीना हराम हो जाता है। तुसी दसो कि पहला इहदे बारे च पहले दिन जिहड़ी इहदी इहने लैक्चर करिया वो तुसी कढ के देखो उहदे च कह रहा कि चन्नी ने कहा कि अपने भाणजे नूं कि तुसी मेरे भाणजे नूं मिलो फिर थोड़ा जिहा हासी वाले मजाकिया अंदाज भाणजा ये भी करिया देखो तुसी कढ के तुसी सारे पत्रकार हो तुहाडे सारे पास वीडियो पई है भाणजा मतलब हनी नाल जोड़न की कोशिश की सी इस गल नूं उस दिन ऐसी बंदा भेज के हनी नूं ग्रिल कर लिया भी दस क्या गल है ये वो कहते मेरी कोई गल फिर मैं सहु खाधी मैं अपने भाणजे भतीजे सारे सहु खाधी कि नहीं इस तरह हो सकता मैं पूछ लिया और मैं सहु खाधी सी कि मैं किसी को यह नहीं किया कि तुसी मेरे भाणजे भतीजे नूं मिलो। उस तो बाद इन्हें अगली उहदे विच इस बारे जिहड़ी गल की उहदे विच भाणजे भतीजे लिया आया ते अज भाणजे छड़ते एक भतीजे पर लिया आया आ मेरा भतीजा बैठा है जैसे खड़ा हो मेरे छोटे भाई का मुंडा है डॉक्टर मनोहर का इहदा फादर भी डॉक्टर है एम डी है बैठ जा इहदी मदर भी डॉक्टर है स्किन स्पैशलिस्ट है ये भी डॉक्टर है इहदा छोटा भाई है जिहड़ा वह भी हुणे डॉक्टर बनया डॉक्टरां दी सारी फैमिली है और यह डॉक्टर बन के हुण नौकरी कर रहा है उस टाइम भी नौकरी करता सी। जे किसी का बिल्कुल बहुत घट मतलब है ही नहीं दे बराबर लिंक है इस तरह का मेरे नाल तां ये जशन है इन शौक हैगा लेकिन नौकरी पढ़ने वाला मुंडा एम डी की तैयारी कर रहा क्योंकि बाप एम डी है माँ एम डी है तो कहना एम डी मैं भी पढ़ना ऐतकी पेपर दिता सी इनू हुण साडे परिवार को भी बदनाम करना शुरू करता ये पढ़ने लिखने वाले मुंडे है इन्हों गलों का क्या पता है
ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੌ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੱਢ ਲੈਣ ਇਹਦੀ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਝੂਠ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਤੀਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਣਜਾ, ਫਿਰ ਭਤੀਜੇ ਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਤੀਜੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਸਵਾ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਬਈ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਲਿਆ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਬਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਰਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੌਕਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੰਡਿਆ ਚਵਾਰਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਲੋਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿਆ ਕਰੀਏ? ਇੰਨਾ ਝੂਠ, ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਧੋਖਾ, ਇੰਨਾ ਫਰੋਡ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣ ਅਜੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਤੇਰੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਆਇਆ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ PPSC ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਫੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਡਬਲ ਜੱਜ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਪੜਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਜਨ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਜਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਈ, ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹੀਓ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾ ਲਓ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਆ ਲੋੜ ਹੈ ਬਈ? ਚੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਕਿਆ ਖੇਲ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਇਹ? ਜੇ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਗਈ, ਆਪੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਪ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਵੇ ਸੀ, ਜਾਈਏ ਦੱਸੀਏ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ। ਆਪ ਸਨਸਨੀ ਖੇਜ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ
एक स्टेज पर तो बोलता फिर बोलता अज टीवी पर 15 मिनट रह गए जी 14 मिनट रह गए जी 13 मिनट रह गए जी यार क्या रह गए बी हूँ भी अजय तुम देखियो अज बुला लिया जी अज भेजता जी अज पुलिस चले गई जी ये अज का नहीं है सवा साल का हो गया सारे कांग्रेसियों के नाल यार दसो जिन्हों हाई कोर्ट ने 2 बार रिजेक्ट कर लिया केड़ा मुख्यमंत्री है जिहड़ा नौकरी देगा क्यों दवान वाले ये जिहड़ा बंदा है ये वर्गे एक नहीं हजार है पंजाब दे विच इहदे पर डी ग्रेड है डी ए ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस डी डी प्लस इहदे पर डी है वो मेरे पास बी प्लस है आ इधर ए प्लस बैठा है मैं तो नौकरी अपने आप नूं नहीं ली मेरा अपना मुंडा उहदे पास बी प्लस है फुटबॉल का गोलकीपर है गोल्ड मेडलिस्ट है तुसी ऐसी अपने मुंडे नूं तो नौकरी दित्ती नहीं तेरे मुंडे आ मुंडे नूं किस तरह दे दिंदे भी यार केड़ा प्लेयर है आपे कह रहा कि चन्नी ने कहा बहुत गोल्ड ओलंपिक खेडे हुए हैं हाँ भाई तू ओलंपिक खेडे है ओलंपिक वाले नौकरी दी है हाकी के प्लेयर उन्होंने जाके पूछो ना भी चन्नी ने पैसे ले जेडे मैं देती नौकरी उन्होंने तो पुछते नहीं कि चन्नी के पैसे ले जेड़िया दिती नहीं हामी नहीं भरी वो बंदा खड़ा कर लिया झूठा मेरे खिलाफ के जी अरे झूठा भी किसी गल पर करिया आपे नु कह गया मुख्यमंत्री अज उस बंदे नु बिल्कुल नौकरी नहीं मिलती कैबिनेट विचों पीसीएस दे विच आ जांदा आ भी जांदा लेकिन कैबिनेट नु देण दी नहीं बणदी क्योंकि ओहे जे हजार है पंजाब दे विच या तां हुण उहनूं गुहा खड़ा रखण वास्ते हजारां नूं भी देणी पएगी या उहनूं कल्ले नूं क्यों देण कैबिनेट दे विच नौकरी जे कैप्टन ने नहीं दित्ती मैं नहीं दित्ती तो कमी होएगी ना ये गल बाद विच बना ली सो मैं बेनती करना चाहता है कि पंजाब के लोगो ये जेड़े पूरी ठगी मेरे घर के नाल अज हो रही है मेरा घर लुटिया जा रहा है मैनू झूठा बदनाम करके अंदर थोकण दी साजिशां है कह भी गया कि अंदर दवांगे सारयां नूं कह गया मुख्यमंत्री ये मुख्यमंत्री दे शब्द बनते हैं अजे कोई इनकुआरी नहीं कराई वो बंदे सच्चे है कि झूठे है तू उन्हूं स्टेज पर उत्थे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे मैं इन्हूं नौकरी दूंगा इहदा मतलब हाँ करती उन्हूं ये मुख्यमंत्री दे काम आही काम सवा साल से चली जा रहे ना कोई पंजाब की तरक्की की गल है सानू इन्हां गल्लां बारे बोलना पैंदा है ऐसी भी नहीं बोल पा रहे तरक्की की गल क्योंकि रोज़ कौली नकल अज मैं इस बड़ा इशू बोलना सी लेकिन इन्हें सनसनी खेज इस तरह तरीका लभ्या मैं वह छड गया हूँ इन्होंने बोलना उस तो बाद मैं अज भी वो मसला थोड़े सामने रखना क्योंकि अज मौका मिले वा तुसी सारी प्रेस आई दी सो मैं कहना चाहता है जैसे तक खड़ के दस दे एक बार देखो यार ये कोई बहुत एक्सपर्ट बंदा नहीं फिर भी देखो जी मैं अज तक जिहड़ा कुछ मैं थोनू देखो जी जिहड़ा कुछ इन्होंने बोलिया सारा कुछ उवें ही है ना मैं उन्होंने अज तक कदे मिलिया ना ही मैं उन्होंने पछाणदा ये तो अज एकदम ही उन्होंने एवें कहता तो हमेशा ही इन्होंने तो अपने नाल कदे किसी फैमिली मैंबर नूं इनवॉल्व किया ही नहीं है तो वह पता नहीं क्यों एवें साडे झूठा इल्जाम ला रहे हैं साथ में। उस पे क्या बोला है वो हाँ पे किस तरह की मुलाकात हुई क्या बात मेरी गाड़ सुनो
जब मुख्यमंत्री किसी प्रोग्राम च पहुँचता लाइन च बंदे लगे होंगे या जब जाता है मूहरे बंदे कुछ खड़ जाते हैं इस तरीके दे नाल वह प्रोग्राम की फोटो है उनू दिखाया जा रहा पंजाब भवन दे विच मोहाली का कोई फंक्शन है फंक्शन दे विच मुख्यमंत्री नू 100 बंदा मिलता है 100 मंदिर जाते बेव करता 100 बंदा सत श्रीकाल करता नाल मिल के हाथ भी मिला इस तरह ही उहदी फोटो उतरी भी यार हर किसी नू चाहुंदा है मुख्यमंत्री दे नाल फोटो ले लीए इन्नी गल है कोई जॉब तो ऑफर ना उन्होंने दिया ना आपने बोला देखो जी मैं फिर कहना जिस दिन मैं सौंह कर दी सी उस दिन भी मैं कहा सी कि मेरे पास हजारा बंदे नौकरियां आते हैं ये भी आया होएगा उस दिन तो मैं ये भी नहीं पता कौन है अज भी मैं कहना रूटीन च बंदा आया होएगा लेकिन मैं कदे यही गल मैं सौंह कर दी सी अज फिर कहना कि मैं कदे ये नहीं कहा कि मेरे भतीजे जशन को मिलता है उस दिन मैं सौंह कर दी सी जो मैं किसी भतीजे को नहीं कहा अज उन्हें जशन नाम लेता अज भी शायद जशन किया वह भी गंजाइश रख के पता नहीं किसी होर का भी नाम देना तक जरूर नौकरी वास्ते आया होगा लेकिन मैं ये तो कह ही नहीं सकता नाले एक बंदा है मेरे भतीजे हैगे है मेरिया छे भैन है ना सॉरी छे सत भैन भाई है असी जिदे तीन भैन चार भाई है एक मेरी साड़ी है एक मेरा साड़ा है कुल मिला के 9 हो गए 9 घर जिन्हें जिदन का बोल रहा कलेस पिया हो रोटी पटकनी औखी हुई भी है हरेक अपने मुंडे घर झाकी जाता है कहीं कहीं आता नहीं है अच्छा मैं पूछता मुंडे से थोड़ी देर बाद बापू का टैलीफोन आ जाता है कि तू साडे मुंडे पर शक करता मुंडा साडे नाल लड़ना यार ये इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं लोग चली सर तुझे क्या है कि उन्होंने क्या तो अभी याद नहीं कि उन्होंने मुलाकात हुई या नहीं पर जिम्मे उन्होंने दे भी इल्जाम लाया वो कहते कि चली साहब साढ़े गल पै गए कितने मुंडे ने तो नौकरी दे दिया यार मैं कहना जी मैं जरूर कहा होगा जे मैं उसी की गल पर जावा कि मैं उन्होंने कहा तेरे मुंडे नू कित्थों नौकरी देना बहुत नाम पे खोलिया फिर सा खेले आया हो यार ऐ दस केड़ी नौकरी 2 करोड़ दी वो आप कहते हैं चार लीडर नहीं है कहते घर हद करती है मेरी गल सुनो तुम अपना मकान भी बेचना हो तो यह देखते भी खरीदने वाले चौकात भी है स्पोर्ट्स बारे कहना चाहते हैं यार मैं कहना जी जरूर आया होगा गल हुई होगी लेकिन मैं जेड़ी गल असली है वो मैं ये दस रहा कि जी मैं किसी ने नहीं कहा मेरे भतीजे को मिले और मेरे भतीजे किन्ने है भाणजे किन्ने है ये डॉक्टर का ही कहते वास्ते कहना सी मैं उन्होंने भाई हद होगी हाँ ये तो उन्होंने पता होगा ना अरे भी शायद कह गया वो भी शायद जशन है नाम पूरा नाम भी नहीं दस के क्या ताके बदल भी सकते भतीजे को क्या पता ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਆ ਸਰ ਕੀ ਜਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਰੋ ਯਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਐਸੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਘਰ ਆ ਉੱਥੇ ਘਰ ਚਾਰੇ ਭਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ स्पोर्ट्स के विच ओलंपिक मैडलिस्ट एशियन मैडलिस्ट ते कॉमनवेल्थ मैडलिस्ट उन्हां नूं ही क्लास 1 नौकरी जिहड़ी ऑफर होंदी है ये लड़का अपीयर होया सी पीसीएस लई लेकिन स्पोर्ट्स के विच क्वालीफाई नहीं कीता पीपीएससी ने इसे करके इहनूं जनरल कैटागरी च पाता एंड सबसीक्वेंटली ही वेंट टू द कोर्ट ऑल्सो एंड रिजेक्ट मैं तो सिर्फ तुहाडे नाल इक्को ही गल साझी करनी चाहुंदा क्योंकि यह सिर्फ ते सिर्फ एक सनसनी बनाने लई इह इदां दी चीज जिहड़ी आ इह क्योंकि भगवंत मान जी की आदत है वह हमेशा क्योंकि किसी पासे लगना नहीं हुंदा सिर्फ इहो जी सनसनी बना के ते किसी होर पासे नूं ध्यान डाइवर्ट करना हुंदा होर गल कुछ नहीं है मैं अज भी चैलेंज करता
कि इस बच्चे उस कैटागरी नौकरी नहीं दी जा सकती। एंड जे भगवंत मान सरकार दे मेरा ख्याल है कि 2 to 3 हज़ार बच्चे होंगे जिन्हों इस कैटागरी के नौकरी दी जाऊगी और मैं लगता हाई कोर्ट के रिट्स हो जाएगी जिड़िया कि पॉसीबल ही नहीं सरकार ने। मैं तो हैरान है भी कहोजी संसनी बना के की करना चाहते। ये तो बहुत एक मेरा ख्याल है भी इन्हों का जोड़ा कोई प्रवक्ता है ना यू स्टेटमेंट देनी चाहिए। सीएम का लैवल नहीं है ओलंपिक मेडलिस्ट एशियन मेडलिस्ट कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट क्रिकेट बेसिकली जो कोई हरभजन सिंह मिली सी बिकॉज उन्हें इंटरनेशनली उदों उन्नीआं विकेट्स लिया सी। एक लड़की आ अमनदीप कौर उन्हें डबल सेंचुरी बनाई सी। उन्हां केसिस दे विच एक्सेप्शनली जिहड़े बच्चे उस लैवल नूं अचीव करदे आ जिहड़े इंडिया नूं रिप्रजेंट कर सक चुके हुण घट्टो घट्ट ये बच्चा तो साडा ही स्पोर्ट्समैन है बट एट द सेम टाइम अज भी प्लेइंग लैवल दे विच नहीं है। अज भी जी किंग्स इलेवन है वो मेरा ख्याल 23 दे विच हैगा प्लेइंग इलेवन दे विच भी है नहीं। मैं ये दावे ना कह सकता कि भगवंत मान इन नौकरी दे नहीं सकता। उन्हें दे देंगे तो फिर 1000-2000 होर नौकरियां तैयार कर लैनी इस कैटागरी पंजाब कैबिनेट बिल्कुल नहीं दे सकती। ये घट्टो घट भी यहोजी कैटागरी के साढ़े को 2000 प्लेयर होंगे घट्टो घट भी 2000 प्लेयर होंगे जिहड़े कि इहोजी क्योंकि अलग अलग स्पोर्ट्स के उन्होंने आपां नूं सारियां नौकरियां देनियां पैणगियां। ये पता नहीं पढ़ के नहीं आते यार पता नहीं की करेंगे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उन्होंने रिकोगनाइज क्योंकि ओलंपिक चार्टर के विच नहीं है इस करके उन्होंने वो नहीं रखा हो। लेकिन जो कोई एक्सट्रा ऑर्डनरी जिदा कोई कंट्री मान लो उस लैवल पर रिप्रजेंट करता तो फिर कैबिनेट वो परव्यू चो कढ़ के तो फिर उन्होंने नौकरी दे सकती है बट इस कैटागरी बिल्कुल नहीं दी जा सकती। भगवंत मान जी थोड़े को 4 साल है मैं दावे ना कह सकता भी जो तुम इस बच्चे नौकरी दे सकते हैं दे के दिखाओ पीसीएस से डीएसपी की क्लास 1 ऑफिसर एंड बिल्कुल एक जिदा नहीं फिल्म चलानी होंगी पहला ट्रेलर देना होंगे फिर फिल्म चलानी होंगी पता नहीं। मैं तो हैरान हाँ भी ये सीएम का लैवल नहीं है। नौकरी देने दे चरसे विच सारा कुछ कराया जा रहा उस तो यह भी तुम दस दिन कह भी गया कि जी असी नौकरी देवे क्योंकि पूरा लालच दिता होया ये कोई उत्थे ही नहीं मिले मुंडा पहला भी मिलता रहा पहला भी इन्हां नाल गल चलती रही है पूरा तैयार करके ही होया। यार बेशक इन्होंने सारा कुछ करना है जो मर्जी करन साडा पूरा परिवार नूं अंदर करन मनु अंदर करन असीं तैयार बैठे हैं। लेकिन ये नहीं है कि जी उत्थे जाके मत्था टेकन चले जावां कि तेरे मूहरे नक रख दे।